वहीं हमको आपको बता दें, सरकार के 3 साल पूरे होने पर बुनकरों को सीएम अखिलेश यादव तोहफा देने जा रहे हैं। भदोही में बुनकरों के लिए कॉर्पोरेट बाजार की आधारशिला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रखेंगे। बता दें आपको कि 8 एकड़ में 150 करोड़ की लागत से कॉर्पोरेट मार्ट बनेगा। कॉर्पोरेट मार्ट में शॉपिंग मॉल, म्यूजियम, एग्जीबिशन जैसी सुविधाएं होंगी। तो 3 साल पूरा होने पर तोहफा देने जा रहे हैं भदोही के बुनकरों को, कॉर्पोरेट मार्केट खोलने जा रहे हैं। सरकार ने 3 साल पूरे होने पर बुनकरों को तोहफा देंगे सीएम अखिलेश यादव। बता दें कि भदोही में बुनकरों के लिए कॉर्पोरेट बाजार की आधारशिला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रखेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय राजन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय, आज भदोही में बुनकरों को तोहफा मिलने जा रहा है 3 साल पूरे होने पर सरकार के। जी हाँ, निश्चित तौर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अपने कार्यकाल के तीसरे पायदान पर खड़े हैं, यानी 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जाहिर सी बात है, सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण दिन तो है ही। समाजवादी पार्टी भी आज इस पर विकास दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाने जा रही है, और इस मौके पर कहीं ना कहीं बुनकरों को एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने बुनकरों के लिए पहल की थी वाराणसी में, उसके बाद से कहीं ना कहीं बुनकर पॉलिटिक्स यूपी में काफी हावी नजर आया था, और एक बेहतरी का ये आज संदेश जाने वाला है बुनकरों के लिए। भदोही के बुनकरों को 150 करोड़ की लागत से एक ऐसा मार्ट मिलने वाला है जहां पर देशी विदेशी खरीदार आएंगे, और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस मार्ट में निश्चित तौर पर बुनकरों का जो उत्पाद है उसको एक बेहतर कीमत मिल पाएगी। तो इस परिकल्पना के साथ आज 8 एकड़ में बनने वाले बुनकर भदोही मार्ट का सीएम अखिलेश यादव आधारशिला रखने वाले हैं। 5 कालिदास मार्ग पर यह कार्यक्रम होगा, और जाहिर सी बात है सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो इसमें निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने विचार रखेंगे अपने सरकार के। जहां तक बात की जाए 3 साल के कार्यकाल की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, तो निश्चित तौर पर काफी उतार चढ़ाव भरा यह सफर रहा है। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि जो नीतिगत फैसले एक युवा नेतृत्व ने लिया है सूबे के विकास के लिए, उसमें अगर वाकई अमल होता, अगर मैं तो ये मानता हूं कि अगर 0.5% भी उस पर अमल हो जाता तो सूबे की तस्वीर बदल जाती, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरशाही का रवैया और जो कार्यों की प्रगति का सुस्त रफ्तार है वो कहीं ना कहीं इन विकास योजनाओं को निश्चित तौर पर प्रभावित करता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरह से राजधानी लखनऊ की सूरत बदली जा रही है, आईटी सिटी की परिकल्पना की जाए, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट की परिकल्पना की जाए, मैदानता के नए शाखा की यहाँ पर बात की जाए जो खुलने जा रहा है, या फिर मेट्रो जिस तरह तेजी से काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक पूरी तस्वीर बदलने की और सियासत के केंद्र में विकास के एजेंडे को स्थापित करने में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कामयाब हो गए हैं। क्योंकि इसके पहले चाहे मुलायम सिंह यादव के रिज्यूम की बात की जाए, मायावती जी के रिज्यूम की बात की जाए, उनके कार्यकाल में योजनाएं तो चलती थी लेकिन सियासत की जो धुरी थी वो कहीं ना कहीं या तो जात या धर्म और तमाम चीजें हुआ करती थी। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कामयाबी मुझे 3 साल में यही नजर आ रही है कि आज हर तरफ विकास की चर्चा हो रही है और सारे सियासी दल इस विकास के इर्द गिर्द ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं आज। जी जी बिल्कुल संजय, अगर 3 साल के कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो शुरू हुई और विकास की राह पर यूपी आगे बढ़ा, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा जो कहीं ना कहीं यूपी सरकार के खिलाफ है वो है कानून व्यवस्था, और यही एक मुद्दा है जिसको विपक्ष भी हथियार के तौर पर हमेशा प्रयोग करता है। जी हाँ, और समस्या यही वजह है कि कल जो समाजवादी प्रशिक्षण शिविर था उसमें प्रोफेसर रामगोपाल ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हमने घोषणा पत्र में वादा किया था कि कोई भी भला इंसान, कोई किसी भी भले इंसान की ओर कोई गुंडे आंख उठाकर नहीं देख पाएंगे और हर भला इंसान सड़क पर सीना चौड़ा करके घूमेगा, और जब तक हम ये नहीं वादा पूरा कर पाते हैं सारा किया धरा ही रह जाएगा। तो ये वाक्य वाकई कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी कानून व्यवस्था को लेकर चिंतन और मंथन का दौर है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक चुनौती के रूप में लिया है। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री के स्तर से बात की जाए तो जिस तरह से इन्होंने एक तेज तरार ब्यूरोक्रेट को ग्रेवी का वो सलाहकार बना करके यहाँ पर उसको जिम्मेवारियां सौंपी हैं, डायल 100 की बात की जाए, अत्याधुनिक जो पुलिस पेट्रोलिंग वैन की बात की जाए, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो मुख्यमंत्री यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं यूपी में, लेकिन जब तक अधिकारियों पुलिस कर्मियों का चुनौती भी होगी अखिलेश सरकार के लिए कि कानून व्यवस्था को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए संजय।